जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। छोटे पेशवा जी की जय। 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 बैठ जाइए। सूबेदार दिगंबर पाठारे को सभा में बुलवाइए। प्रणाम बाजीराव। दिगंबर जी, आपके इलाके से अभी तक कर का भुगतावा नहीं आया है। हमने दो बार लोग भी भेजे लेकिन आपने बिना कर चुकाए उनको वापस लौटा दिया। आप तो हर साल सबसे पहले कर चुकाते हैं, तो इस बार देरी क्यों, जब आप जानते हैं कि इस समय सासवड़ की परिस्थिति क्या है? तब आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाओगे तो कैसे चलेगा? बाजीराव, हम अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमें बार बार याद ना दिलाया जाए, लेकिन इस बार आप हमसे कर की उम्मीद ना करें। क्या मतलब है आपका? हम पहले ही सब कुछ आपको दे चुके हैं। सासवण मुश्किल में था, मेरे घर में जो कुछ भी था वो सब सौंप दिया महान जी जोशी को। महान जी काका को? आपके ससुर को। तभी तो महान जी 75,000 सोने की मोहरों का इंतजाम कर पाए और काशी भाई आपको छुड़वा पाई। सासुर को हमने बहुत पैसा दिया है, अब कहने को तो ये उधार है, लेकिन हम भली भांति जानते हैं कि ये उधार कभी वापस नहीं आएगा। और इसके बाद भी आप हमसे कर की अपेक्षा कर रहे हैं? भाव कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? भाव कुछ बोलेंगे नहीं तो ये सारे दरबारी क्या सोचेंगे? भाऊ कुछ बोलिए। ठीक है दिगंबर जी, हम आपस में बात करके आपसे मिलते हैं। ठीक है। प्रणाम। छोटे सरकार, एक दो और छोटे मोटे मसले हैं, वो मैं देख लूंगा। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री, अभी ऐप डाउनलोड करें।